नमस्कार, इटनॉर स्वदेश पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष मुनिगिरी और आज से हम बजट के कह सकते हैं खास शो के आगाज कर चुके हैं और आज से हर रोज आप बजट पे कुछ न कुछ नया देखेंगे। वैसे तो लगातार बीते 10 दिनों से आप देख रहे हैं कि बजट पे हम इटनॉर स्वदेश पर एक से बढ़कर एक एक्सक्लूसिव खबरें आपको बता रहे, लेकिन आज से कमाई के कई सारे मौके आपको बताए जाएंगे क्योंकि बजट आ रहा है। कुछ दिनों का बात है, बजट आने में कुछ दिन बचे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा ट्रिगर है, कह सकते हैं कि बिजनेस वर्ल्ड की सबसे बड़ी घटना होती है और इसका असर न केवल कुछ स्टॉक्स पे बल्कि बहुत सारे सेक्टर्स पे होता है। आम आदमी की ज़िंदगी के साथ साथ बहुत सारी कंपनियों पर भी इसका असर होता है। उन किन कंपनियों पर असर हो सकता है, बजट के लिहाज से कौन सा ऐसे शेयर हैं जिस पर आपको नज़र बना के चलनी चाहिए, इसी मुद्दे पे अगले आधे घंटे में हम चर्चा करेंगे। बहुत ज़्यादा शेयरों की बात नहीं करेंगे, चुनिंदा शेयर लेके आएंगे, अलग अलग सेक्टर से लेके आएंगे और ये वो शेयर होंगे जिनको बजट के लिहाज से चुना गया है। हमारे तीन बेहद शानदार जानकार जुड़ेंगे और आपको बताएंगे कि ये कौन से शेयर है जिसमें बजट के लिहाज से आप खरीदारी कीजिएगा तो जब बजट आएगा तो कमाई कराएगा। तो बजट आएगा, कमाई कराएगा, बिना देरी किए इसको शुरू करते हैं क्योंकि हमारे साथ दो जानकार जुड़ चुके हैं, तीन जानकार होंगे लेकिन दो जुड़ चुके हैं। अविनाश गुरक्षर जुड़ चुके हैं और विवेक कारवा जुड़ चुके हैं। आप दोनों को मेरा नमस्कार सीधे तौर पे और शुक्रिया इटनॉर स्वदेश को समय देने के लिए एक बड़े टॉपिक और कह सकते हैं ना कि हर साल की एक बड़े इवेंट के से पहले उस इवेंट के जरिए कमाई के मौके को खोजना आसान नहीं होता है और उसमें भी जब बहुत सारे सेक्टर्स को लेकर चर्चा हो उसमें से कुछ शेयरों को बतौर मोती के तौर पे चुनना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन कहते हैं ना कि हर जगह कुछ ऐसे बेहद शानदार लोग होते हैं जो ये काम बड़ी आसानी से करते हैं और अविनाश जी और विवेक जी यही आज हमारी मदद करने वाले हैं। अविनाश सर, समान तौर पर तो ये कहने को इंटरिम बजट है पर यह बजट ही है क्योंकि हमने ट्रेंड देखा है, चाहे 2019 का बजट देखिए, उसके पहले का बजट देखिए, बहुत बड़े अनाउंसमेंट होते हैं और सीधे तौर पे कई सेक्टर्स और शेयर्स पे इसका असर देखने को मिलता है। कैसे देख रहे हैं आप इसको? गुड आफ्टरनून मनीष। देखिए, पहली बात तो आपने सही कहा कि ये बजट जो है ये वोट ऑन अकाउंट का बजट होगा, तो इंटरिम बजट है, तो जो दूसरा बजट होगा जो इलेक्शंस के बाद के नतीजों के बाद आएगा वहां पे एक्चुअल यू नो पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। बट एक बात तो क्लियर है कि जो इंटरिम बजट भी आएगा उसमें जो अनाउंसमेंट्स गवर्नमेंट करेगी उसमें एक बात तो क्लियर है कि जो सेक्टर्स फोकस में रहेंगे वो ऑब्वियसली ऐसे सेक्टर्स रहेंगे जहां पे मार्केट्स बहुत क्लोजली वॉच करेगा क्योंकि इलेक्शन के बाद जब नई गवर्नमेंट आएगी तभी वो पूरे उन डिसीजंस को और इन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करेगा। तो इंटरिम बजट उस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्केट को काफी अच्छे सिग्नल्स पहले से ही पता चलेंगे और मार्केट में यू नो यही सिग्नल्स आपको शेयर के प्राइसेस में यू नो खरीदने में मौके देंगे। तो मुझे लग रहा है कि इंटरिम बजट भले ही कोई डिसेसिव बजट ना हो लेकिन ट्रेंड्स कौन से सेक्टर में इन गवर्नमेंट सीरियस है, कितना पैसा लगाएगी और कितना फोकस्ड है उस सेक्टर पे, वो हमको जानने में काफी मदद मिलेगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंटरिम बजट आएगा मनीष, वो इन्वेस्टर्स के लिए, एनालिस्ट के लिए बहुत एक यू नो रोड मैप आगे के लिए तैयार करेगा। स्वदेश तो इसको इंटरिम नहीं बजट ही मान के चल रहा है क्योंकि कई सारे बड़े अनाउंसमेंट आ सकते हैं और लगातार इटनॉर स्वदेश पे हम एक्सक्लूसिव खबरें तमाम बता रहे हैं। और हमारे साथ एक और जानकार राहुल शाह भी जुड़ चुके हैं। राहुल शुक्रिया और नमस्कार इटनॉर स्वदेश को समय देने के लिए। बिना देरी किए स्टॉक्स की शुरुआत करते हैं क्योंकि हमारे तमाम दर्शक इंतजार कर रहे हैं कौन से शेयर हैं जो बताएगा कि बजट आएगा तो कमाई करेगा। विवेक, शुरुआत आपके साथ ही करते हैं, तैयारी पूरी है, कौन सा शेयर पहला बताएंगे हमारे दर्शकों के लिए जिसमें आपको लगता है कि बजट के लिहाज से तो यहाँ कमाई का मौका बनता है? गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए पहली चीज तो रादर गुड आफ्टरनून, पहली चीज तो देखिए जैसे अविनाश ने कभी कहा था ये इंटरिम बजट या वोट ऑन अकाउंट ही होने वाला है, लेकिन इसमें क्या है कि एक इंटेंशन जो सरकार का होता है वो पता चल जाता है कि आगे चल के ये लोग क्या करने वाले हैं। और ये बजट पिक खाली इस बजट के लिए नहीं क्योंकि ये तो इंटरिम ही है, मैं तो बोल रहा हूँ कि अगले बजट तक जो फुल फ्लेश बजट आएगा जून में वहां तक आप इसको देख सकते हो। तो मेरा पहला पिक रहेगा, एक इंटरेस्टिंग स्पेस है ये और इसमें कई सेक्टर्स आ रहे हैं एक ही कंपनी के अंदर, ये केसीपी लिमिटेड। इनफैक्ट वीआईपी सेगमेंट में मैंने एक बार इसको रिकमेंड भी किया हुआ था करीबन 140 रुपए में, लेकिन आज अभी बात करते करते ये काफी बढ़ चुका ऑलरेडी, 180 के ऊपर अभी चल रहा है। मुझे लगता है कि ये आपको 200 के ऊपर भी दिखाएगा शॉर्ट टर्म में। क्यों? देखिए जो सीमेंट स्पेस में है, बजट में क्या होने वाला है, बजट में सरकार फोकस करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड पे,
और जो रियल एस्टेट बूम चल रहा है उसका भी फायदा कंपनी को मिल रहा है। और सीमेंट स्पेस में आप अगर देखो तो केसीपी ये साउथ बेस्ड कंपनी है, काफी सस्ती लग रही है कंपैरेटिवली आप अगर पेयर ग्रुप से देखो, पहली चीज। दूसरी चीज, इस कंपनी में आपको होटल बिजनेस भी मिल रहा है जो ट्रैवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड है। अभी लक्षद्वीप में क्या हुआ है हम सबने देखा है, तो ट्रैवल एंड टूरिज्म भी इस कंपनी के अंदर है और एनर्जी बिजनेस भी है। तो आप अगर देखो तो एक कंपनी के अंदर आप दो तीन इनफैक्ट तीन चार सेक्टर ले रहे हो एक ही साथ में, और जो आगे चल के चारों सेक्टर्स अच्छे करने वाले हैं। तो मेरा फर्स्ट पिक रहेगा केसीपी, 200 के ऊपर आप देखिए, उसके ऊपर भी जा सकता है लेकिन बाद में बात करेंगे इसके बारे में। तो सीधे तौर पर फिलहाल के लिए तो खरीदारी करने की सलाह 200 के लक्ष्य के साथ है। हालांकि विवेक ने यह कह दिया कि 200 के ऊपर भी जाएगा, तो बाद में इस पर बात करेंगे। ठीक है, अगले शो में कभी आएंगे और जब ये 200 के ऊपर आएगा तो मैं निश्चित रूप से विवेक से पूछूंगा कि अगला लक्ष्य क्या होगा। राहुल, लंबे अरसे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है मेरी, मुझे लगता है एक ज़माने में हम लोग साथ थे, बहुत लंबे अरसे के बाद मुलाकात हो रही है और इस इतने अच्छे मौके पर जब बजट को लेकर बात हो रही है। आपने तो कई बजट देखे हैं कई लगातार, आपकी तरफ से बजट के लिहाज से कौन से शेयर हैं जिस पे आपको लगता है कि नजर बनाकर रखनी चाहिए? गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आई थिंक जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मार्केट का माहौल की बात करें तो कहाँ किस तरह से ट्रेंड है, तो आई थिंक देखिए कि जिस तरह से हम देखते हैं कि दिसंबर के इलेक्शन, स्टेट इलेक्शन के रिजल्ट के बाद जो निफ्टी चली है वन वे, और जो थ्रस्ट रहा है गवर्नमेंट का लास्ट एक साल से हम देखे, तो मेरे ख्याल से दो तीन सेक्टर बहुत ही विजिबल है उसके अंदर। एक तो हम देखे कि पीएसयू एज अ बास्केट की रैली चलती आ रही है लास्ट 6 महीने के अंदर से, तो मुझे लग रहा है कि पीएसयू एज अ बास्केट चलता ही रहेगा। तो उसमें से पिक किया है ओएनजीसी, आप देखिए बहुत ही सस्ता वैल्यूएशन, 5 टाइम अर्निंग पे मिल रहा है, 18% आरओई वाला कंपनी है। बात कर रहे हैं कि वॉल्यूम्स बढ़ाएंगे यहाँ से भी, और जो मेरे ख्याल से इनएक्सपेंसिव वैल्यूएशन है, और मुझे लग रहा है कि ये जो जहां जहां पे भी हम पीएसयू पैक के अंदर सस्ते वैल्यूएशन से मिल रहे हैं स्टॉक्स के अंदर, री रेटिंग देखने को मिला है। तो मैं मानता हूँ ये ओएनजीसी रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड काफी फेवरेबल हो सकता है इन्वेस्टरों को इररिस्पेक्टिव ऑफ द बजट। तो मुझे लगता है कि 270 के लक्ष्य से ओएनजीसी लिया जा सकता है, ये मेरा पहला पिक रहेगा। हमने देखा है बीते साल शानदार रैली देखने को मिली 270 के लक्ष्य के साथ। राहुल को ओएनजीसी पसंद आता है, इसमें आप खरीदारी करके चल सकते हैं, बजट आएगा तो ये शेयर भी अच्छा कमाई कराएगा। एक साल का उन्होंने हालांकि नज़रिया दिया है। अविनाश सर, समान तौर पे हमने देखा है कि रियल एस्टेट स्टॉक्स में बड़ी तेज़ी देखने को मिली है और लगातार ये चर्चा हो रही है कि रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर कुछ अनाउंसमेंट आ सकता है इस बजट में। आपकी तरफ से पहला पिक्स क्या, रियल एस्टेट से कोई शेयर? में हमको पहले बात स्टॉक बताने के पहले मैं बता दूं कि हम पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि हमको लग रहा है कि गवर्नमेंट हाउसिंग और रियल एस्टेट ऐसे सेक्टर्स है जो बहुत बड़ी मात्रा में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं और हाउसिंग एक एक बहुत बेसिक नीड है। तो इस बजट में हमको लग रहा है कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग है, मिडिल क्लास हाउसिंग है, वहां पे तो फोकस रहेगा ही, बट जो लग्जरी सेगमेंट है वहां पे जो तेजी आ गई है उसमें भी गवर्नमेंट चाहेगी कि उनको भी थोड़ा सा इसका बेनिफिट मिले। और जो कंपनी मुझे पसंद है वो अनंत राज है। देखिए, अनंत राज में मैं पहले भी आपके चैनल में बता चुका हूँ कि ये एक यूनिक रियल एस्टेट कंपनी है जो डेटा सेंटर में और रियल एस्टेट में काम करती है। रियल एस्टेट की बात करें तो इनके पास करीबन 100 एकड़ जमीन है गुड़गांव में। गुड़गांव मार्केट पिछले 6 से 12 महीने में बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, प्राइसेस भी 25-30% से बढ़े हैं। और इनका जो बिजनेस मॉडल है, यहाँ पे हमने देखा है कि ये ज्यादातर विलाज, बंगलोज और प्लॉट्स बेचते हैं, तो इनके लिए काफी अच्छी बात है कि सारे एवेन्यू से रेवेन्यू आ जाता है। डेटा सेंटर की बात करें मनीष, तो ये बहुत यूनिक बिजनेस है। इनफैक्ट अभी सनराइज सेक्टर माना जाता है। करीबन 300 मेगावाट की कैपेसिटी तो अभी उन्होंने ऑलरेडी लगाई है। करीबन 24 मेगावाट मार्च से ऑपरेशनल हो चुकी है और हमको लग रहा है कि इस साल कम से कम 230-235 करोड़ का प्रॉफिट आएगा, जो पिछले साल 150 करोड़ था। और अगले साल दैट इज FY25 की बात करें तो 350 करोड़ का प्रॉफिट आने की अपेक्षा है। तो ये बहुत ही स्ट्रांग ग्रोथ है और दूसरे रियल एस्टेट कंपनीज के मुकाबले में मुझे लगता है पहले तो बिजनेस मॉडल रोबोस्ट है और ग्रोथ यहाँ से और भी अच्छा होगा। तो करीबन 375 का पहला टारगेट लेके 318-319 जो भाव चल रहा है, इसको खरीदने का मौका समझ लीजिए। तीसरा क्वार्टर काफी स्ट्रांग होगा लेकिन आने वाला साल भी इससे काफी अच्छा होगा। तो ये डेफिनेटली एक पोर्टफोलियो पिक रहेगा, तो यहाँ पे जरूर थोड़ा निवेश करने की सलाह रहेगी। तो अनंत राज इंडस्ट्रीज रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी, इसमें खरीदारी करने की सलाह। 375 रुपये का लक्ष्य होगा, नजरिया एक साल का रखना होगा। तो तीन स्टॉक्स की चर्चा हुई, तीन जानकारों ने बताया, अलग अलग सेक्टर्स देखे, एक ओएनजीसी की बात हुई, एक केसीपी की बात हुई जो शुगर और सीमेंट कारोबार से जुड़ी हुई कंपनी है, और तीसरी जो कंपनी है वो रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई है।
अलग सेक्टर्स की तीन बेहतरीन कंपनियों के बारे में हमारे तीन जानकारों ने बताया। राहुल, आपके तरफ से जो अगला शेयर होगा वो कौन सा होगा? तो मेरे ख्याल से जिस तरह से हम सेटअप देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली पीएनबी हाउसिंग मेरा दूसरा पिक रहेगा। हम देख रहे हैं कि लगातार हम देख रहे हैं कि रियल एस्टेट के कंपनीज के नंबर्स काफी स्ट्रांग आते हुए देखने को मिला है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ अच्छा खासा देखने को, ईयर ऑन ईयर, और ऐसा कहा जा सकता है कि वन ऑफ द बेस्ट टाइम रियल एस्टेट वालों के लिए है। तो हमें प्रॉक्सी टू प्ले दैट रियल एस्टेट कंपनीज के शेयर्स तो काफी भाग चुके हैं, तो हमें लग रहा है कि पीएनबी हाउसिंग प्रॉक्सी टू प्ले दैट हाउसिंग बूम एंड रियल एस्टेट बूम रहेगा। तो आप समझिए कि ये जो बुक भी जो उनका बना हुआ है, तो मेरे ख्याल से काफी सारा रिटेल बुक है, तो और ये रिटेल ग्रोथ के अंदर मुझे हमें लग रहा है कि 17-18% का ग्रोथ आ सकता है इसके अंदर। और अगेन काफी अरसे से हम देखें कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में ऐसे वैल्यूएशन मिले नहीं है जैसे चलने, तो मेरे ख्याल से अगेन सस्ता वैल्यूएशन है। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ से रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है, क्योंकि सामने ग्रोथ के सामने एडजस्ट हो जाएगा जो भी वैल्यूएशन अभी ट्रेड हो रहा है। तो आई फील दैट ये 950 के लक्ष्य के लिए पीएनबी हाउसिंग पक्का लिया जा सकता है ये लेवल्स पे। तो एक कंपनी रियल एस्टेट की जिसमें खरीदारी करने की सलाह, और एक ऐसी कंपनी जो घर बनाती है उसमें खरीदारी करने की सलाह दी है अविनाश ने, अनंता इंडस्ट्रीज, और घरों के खरीदने के लिए आपको लोन चाहिए तो हाउसिंग लोन से जुड़ी कंपनी पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में खरीदारी करने की राहुल ने सलाह दी है। आप उसमें खरीदारी करके चल सकते हैं, 960 रुपये तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। विवेक, इससे जुड़ा हुआ कोई सेक्टर इसके साथ या किसी और सेक्टर की आप बात कर रहे हैं आप? मैं तो दूसरी कंपनी बोलने वाला था, लेकिन एक मेरा तीसरा पिक पहले बोल देता हूं मैं। ये देखिए, हमने कई बार बात किया हुआ है और ईटी स्वदेश पे तो मैं 5.5 से बात कर रहा हूँ, ये है नेस्को। अब आप अगर देखो तो ये काफी बढ़ के अभी 980 के आजू बाजू चल रहा है, और मुझे लगता है कि इसको आपको लेना चाहिए 1000 के ऊपर के टारगेट के लिए। बहुत समय के बाद कंपनी इनफैक्ट फोकस में आ गई है अनलिस्ट के, और काफी अनलिस्ट अभी रेकमेंड भी करने लग गए हैं, तो मुझे लगता है कि मैं थोड़ा अर्ली पिक किया था और उसका फायदा मिल रहा है। अब कंपनी क्या करती है, कंपनी रियल एस्टेट में है, और इनफैक्ट इनके बुक्स में कैश है करीबन 1600 करोड़ का, और वो कैश यूज करके ये लोग एक और पार्क, आईटी पार्क बना रहे हैं, जहां पे इनको रेंटल इनकम अगले क्वार्टर से हो सकता है कि चालू हो जाए। कंपनी और भी है इसमें माइस सेगमेंट का, जो एग्जीबिशंस में भी है कंपनी, तो माइस सेगमेंट है जो मीटिंग्स, इंसेंटिव्स और कॉन्फ्रेंसेस का जो होता है कॉर्पोरेट्स की तरफ से, उनमें भी एक अपटिक है। तो मुझे लगता है कि काफी स्ट्रॉन्ग बेट हो सकता है ये आगे चल के, आपको 1000 के ऊपर दिखेगा। और ऐसे डिस्क्लोजर देखिए, मेरे पास पर्सनल होल्डिंग है इसका, और क्योंकि आप जो रिलेटेड मांगे तो ये ऑलमोस्ट रियल एस्टेट कंपनी हो गई एक तरीके से, तो थोड़ी डिफरेंट काइंड ऑफ कंपनी है, लेकिन हाँ रियल एस्टेट अगर दिखाता है तो इसका प्रॉपर्टी वैल्यू भी आपको बढ़ते हुए दिखेगा। तो नेस्को एक और शेयर जो पसंद आ रहा है विवेक को, लगता है क्योंकि यहाँ से मजबूती देखने को मिल सकती है, रियल एस्टेट थीम को उन्होंने भी पकड़ने की कोशिश की है, और अभी तक जितने स्टॉक्स में चर्चा की गई है ना उसमें अधिकांश शेयरों में फिलहाल के लिए रियल एस्टेट थीम निकल के सामने आ रहा है। 1000 रुपये के लक्ष्य के साथ खरीदारी करके चल सकते हैं, यानी यहाँ से अच्छा खासा अपसाइड जो है विवेक को दिखता है, इसमें खरीदारी करने की सलाह दे रहा है नेस्को में। अविनाश सर, अब आपकी तरफ से अगला शेयर कौन सा है? नहीं मनीष, देखिए अगला शेयर जो सेक्टर से है वो रेलवे इंफ्रा थीम से है। देखिए रेलवे एक ऐसा सेक्टर है जो हमको लगता है कि आने वाले बजट में बहुत बड़े अनाउंसमेंट्स होंगे। ऑलरेडी रेलवे मिनिस्ट्री से यहाँ रिपोर्ट्स आ रही है कि करीबन 2-2.5 लाख करोड़ का बजट रेलवे रोलिंग स्टॉक के ऊपर, रेलवे वैगन के ऊपर और प्लस रेलवे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर खर्चा किया जाएगा। हालांकि ये अगले 3-4 साल का बजट है, लेकिन हमारा मानना है कि वैगन कंपनीज में टेक्समैको रेल हमको काफी पसंद है। देखिए इस कंपनी की ऑर्डर बुक करीबन 3000 करोड़ के ऊपर है, इन्होंने अभी रिसेंटली एक QIP किया था 138 रुपए में, 750 करोड़ इन्होंने रेज किए हैं। सबसे बड़ी बात मुझे लगता है कि वैगन के कंपनीज में गिने चुने प्लेयर्स है, जैसे कि BML हो गया, जुपिटर वैगन हो गया, टिटागर वैगन और टेक्समैको रेल, तो सप्लाई साइड में अभी बहुत बड़ी गैप है और डिमांड काफी जोरों से बढ़ रही है। रेलवेज ने कहा है कि वो अपना फ्रेट का जो शेयर है वो रोड ट्रांसपोर्ट से ज्यादा करने की अपेक्षा रखते हैं, तो इसके लिए सबसे बड़ा जो इनपुट है वो वैगन का है, जो अभी भी कंट्री में सिलेक्ट कंपनीज ही बना रही है। तो डेफिनेटली हमको लग रहा है कि अगले साल 1.5 साल की बात करें तो रेवेन्यू विजिबिलिटी तो ऑलरेडी पक्की है और थोड़े ऑर्डर्स आने की अपेक्षा रहेगी आने वाले साल में, तो यहां से मुझे लगता है कि अगर कोई खरीदता है तो करीबन 235-240 का एक टारगेट प्राइस आपको कंफर्टेबली मिलना चाहिए।
क्योंकि विजिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है और इसमें कोई डाउट नहीं कि आने वाले साल में और एक 20-25 हजार वैगन्स का एक टेंडर आने वाला है, वहां पे भी टेक्समैको को शेयर बढ़ाने की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो डेफिनेटली करंट लेवल्स पे भी अगर आप खरीदते हैं तो अच्छा खासा पैसा बनेगा, अराउंड 235-240 अगले 12 महीने का टारगेट। टैक्समेकर ने खरीदारी करने के सलाह 180 रुपये के लक्ष्य के साथ सामान्य तौर पर यह देखा जाता रहा है। और सीधे तौर पर विवेक सर, आप चाहे अविनाश सर, आप लोग भी इस बात को मानेंगे कि हमने देखा था कि हमेशा रेलवे शेयरों में तेजी जो है दिसंबर के आसपास शुरुआत होती थी, जनवरी और फरवरी में आती थी तेजी, उसके बाद फिर तेजी खत्म हो जाती थी। चाहे उस समय टिटागढ़ वैगन देखे, कालिंदी रेल जैसे स्टॉक्स देखे, लेकिन इसी शेयर को देखिए, इस साल बीते साल हमने करीब 200% से ज़्यादा का रिटर्न देखा। तो रेलवे स्टॉक्स में तो अब पूरे साल भर तेजी देखने को मिलती है, ऐसा ही है ना विवेक सर? सॉरी, मेरे से पूछ रहे आप? जी, हाँ, नहीं देखिए, रेलवे, जब रेलवे बजट अलग से हुआ करता था तब काफी इनफैक्ट इन्वेस्टर्स नुकसान करते थे उसमें, क्योंकि प्री बजट रैली के लिए लोग लेते थे और फिर पोस्ट बजट उसमें फंसते थे। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि जो सरकार का फोकस है रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में, बहुत ही मतलब एकदम कॉन्सेंट्रेटेड फोकस है। इसके कारण आगे चल के भी ये रेलवे और डिफेंस तो एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे सरकार यहाँ से भी आपको हो सकता है कि अगले बजट में वापस कई लाख करोड़ अनाउंसमेंट करे, तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म बेट के लिए दोनों ही अच्छे हैं। एक चीज़ और मुझे पूछना है रेलवे स्टॉक्स को लेकर, क्योंकि हमने बीते साल बहुत अच्छी रैली देखी है और आपके पास तो 2 दशक से ज़्यादा का अनुभव है बजट को कवरेज करने का। हमने देखा है कि रेलवे स्टॉक्स में एक ट्रेंड जो है, जैसा कि मैंने बताया है कि 3 महीने की तेजी, उसके बाद पूरे साल भर गिरावट देखने को मिलती थी, अब ये ट्रेंड बदल गया है। मुझे 30 सेकंड में बताइए मेरे दर्शकों कि ये ट्रेंड बदला क्यों, क्योंकि कई सारे दर्शकों ने ये सवाल पूछा है हमसे रेलवे स्टॉक्स को लेकर। अविनाश सर, देखिए मनीष, मुझे लग रहा है कि रेलवे स्टॉक्स में तेजी इसलिए आ गई है क्योंकि अभी रेल मिनिस्ट्री जो है वो बहुत एग्रेसिव हो चुकी है। देखिए, अगर हम रेलवे मिनिस्टर की बात करें तो हाल ही में उन्होंने कहा है कि वो रेलवे को बहुत ही प्रोडक्टिव और एफिशिएंट बनाना चाहते हैं, और क्लियरली जो रेलवे का एक पिक्चर था 10 साल पहले का और अभी का जो पिक्चर है, उन्होंने क्लियरली कहा है कि मोदी जी ने क्लियरली कहा है कि रेल फ्रेट एक टॉप प्रायोरिटी है। कार्गो लॉजिस्टिक की बात करें, दूसरे नए कार्गो की बात करें, तो वो अपना शेयर एग्रेसिवली बढ़ाना चाहते और एक सस्टेनेबल मॉडल बनाना चाहते। तो इसलिए रेल इंफ्रा के ऊपर बहुत बड़ा फोकस है गवर्नमेंट का, नॉट ओनली रेलवे प्लेटफॉर्म्स पे, रेलवे इंटरनेट कनेक्टिविटी पे, रेलवे वैगन्स पे, रोलिंग स्टॉक पे। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और मुझे लग रहा है कि जैसे विवेक जी ने कहा कि पहले तो सिर्फ प्री बजट के टाइम पे लोग रेलवे के स्टॉक्स खरीदते थे, उसके बाद पोस्ट बजट में बेचते थे, तो ये ऐसा अभी माहौल नहीं है। अभी सस्टेनेबल मॉडल है, इन कंपनीज के पास कम से कम 1.5-2 साल की ऑर्डर बुक है, तो ये सब दिखलाता है कि गवर्नमेंट भी काफी सीरियस है और ऑब्वियसली इसका बेनिफिट सारे रेलवे इंफ्रा कंपनीज को मिलेगा। निश्चित रूप से, और यही एक ट्रेंड है जिसने जिस तरीके सरकार ने रेलवे पर खर्च बढ़ाया, लगातार बढ़ा रही है, उसका ये असर हो रहा है कि रेलवे स्टॉक्स अब लगातार तेजी दिखा रहे हैं। केवल कुछ महीनों की तेजी और फिर हमेशा के लिए मंदी, कुछ महीनों के लंबी अवधि के लिए मंदी, वैसा ट्रेंड अब देखने को नहीं मिला। राहुल, आपकी तरफ से आपने 2 इक्के बता दिए, तीसरा इक्का बताओ शेयर कौन सा होगा? तो तीसरा रहेगा हमारा लार्ज कैप स्टॉक, जो रहेगा वो अल्ट्राटेक। हम देखे हैं कि सीमेंट की बातें कर चुके हैं, हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट का थ्रस्ट देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखे तो लास्ट 1-1.5 साल के अंदर पूरा थ्रस्ट रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग फॉर ऑल, तो उसे हाउसिंग के ऊपर थ्रस्ट रहेगा। और तीसरा जो हम आगे भी बात कर चुके हैं वो रियल एस्टेट के डिमांड जो हम देखते आए हुए हैं, तो तीनों सेक्टर, तीनों चीजों के लिए सीमेंट लगेगा। तो मेरे ख्याल से अल्ट्राटेक सीमेंट बहुत ही अच्छा प्लेयर है, और ये केशोराम के एडिशन के बाद हमें लग रहा है कि जिस तरह से कंसोलिडेशन हो रहा है इंडस्ट्री में, और उनका साउथ में और महाराष्ट्र में अच्छी प्रेजेंस रह जाएगी। सेकेंडली, हमें लग रहा है कि जिस तरह से मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि 158 से जो सीमेंट की कैपेसिटी बढ़ाने की जो बात चल रही है, तो नेक्स्ट आने वाले नेक्स्ट 3 से 4 सालों के अंदर भी अच्छी खासी रहेगी। तो मानते हुए कि जिस तरह से सेटअप है, जिस तरह से वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहा है, और जिस तरह से हम सीमेंट पे ओवरऑल डिमांड ड्रिवन मार्केट देखने को मिल रहा है फ्रॉम सप्लाई ड्रिवन साइड बहुत टाइम के बाद, तो मुझे लग रहा है कि इस 12,000 के लक्ष्य के लिए अल्ट्राटेक डेफिनेटली ये एक बजट थीम या ओवरऑल लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से भी, इंडिया स्टोरी के हिसाब से किया जा सकता है। के तौर पे अल्ट्राटेक सीमेंट राहुल की तरफ से तीसरा शेयर जो उनको पसंद आ रहा है। यहाँ से मजबूती देखने को मिल सकती है, 12,000 रुपये तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। एक साथ तीनों गेस्ट को सामने लाइए स्क्रीन पे।
सीधे तौर पे अविनाश सर, विवेक, राहुल, आप लोगों ने लगता है आपस में पहले बातचीत तो नहीं की कि एक थीम को पकड़ते हैं, सबसे पहले सीमेंट खरीदते हैं, फिर घर बनवाते हैं, फिर जो लोन के जरिए जो है उसको बेचने की कोशिश करते हैं। एक थीम आ गया अल्ट्राटेक सीमेंट, फिर हमने अनंतराज की बात कर ली, नेस्को की बात कर दी, पीएनबी हाउसिंग हो गई। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ सर? देखिए अगर ऐसा हुआ तो नहीं है, फैक्ट अविनाश सर और आपका किसी का नंबर भी नहीं है मेरे पास, तो ये प्रूफ आप जेन्यूनली मतलब हम तीनों जेन्यूनली आपको जेन्यून पिक्स दे रहे हैं। वैसे आपके सारे पिक्स जेन्यूनली बहुत अच्छे होते हैं, आप तीनों के अच्छे होते हैं। मुझे याद है नेस्को बहुत पहले आपने रिकमेंड किया था, अनंतराज इंडस्ट्रीज बहुत पहले अविनाश ने रिकमेंड किया था, वहाँ से एक अच्छी रैली देखने को मिली, और राहुल के तो हमने कई सारे स्टॉक्स देखे हैं जिसमें अच्छी रैली देखने को मिली है। विवेक, अब आपके तरफ से अगला स्टॉक कौन सा होगा फिर? देखिए मनीष, जो पहला मैंने वापस हमारे सारे पिक्स इंटरलिंक हो रहे हैं, लेकिन मेरे भी तीनों पिक ही इंटरलिंक्ड है। जैसे पहले केसीपी की बात की थी जहाँ पे रियल एस्टेट लिंक था, और रियल एस्टेट में नेस्को दे दिया, और केसीपी में सीमेंट भी आ रहा था जो नेस्को आ गया, और केसीपी में होटल भी है। अब मैं आ रहा हूँ डायरेक्ट स्टैंड अलोन होटल कंपनी इंडियन होटल्स। देखिए कंपनी ताज, विवांता और जिंजर जो प्रॉपर्टीज है उसको चलाती है, और जो फोकस आगे चल के सरकार ट्रैवल पे करने वाले, देखिए जो सरकार को फॉरेक्स का रेवेन्यू चाहिए बहुत क्लियर है ये लोग कि यहाँ पे इंडिया में टूरिज्म आपको बढ़ाना है। तो जैसे जैसे टूरिज्म बढ़ेगा, और इनफैक्ट आप कोई भी इन प्रॉपर्टीज में आप अभी भी रूम बुकिंग के लिए आप कोशिश कर लो, आपको दिखेगा कि ज्यादातर प्रॉपर्टीज फुल जा रही है। इंडियन होटल्स के पास करीबन 72,000 रूम्स रहेंगे आज के दिन, और करीबन 81 प्रॉपर्टी इन द पाइपलाइन है। तो आगे चल के दिख रहा है कि जैसे जैसे टूरिज्म बढ़ेगा ये लोग अब तो लक्षद्वीप में भी आने वाले हैं, ज्यादातर होटल्स ने और फ्लाइट्स ने भी अनाउंसमेंट भी दे दिया है। कंपनी डेट घटाती जा रही है, तो आगे चल के डेट फ्री हो जाएगी, और जिस हिसाब से जा रहा है सब कुछ, आई थिंक दिग्गज कंपनी है होटल स्पेस में, आपको इसको लेना चाहिए, या आपको 500 के ऊपर दिखा देंगे खरीदारी करने की सलाह। ये 501 सगुन का नंबर दिया है क्या आपने जानबूझ के? हाँ एक्चुअली मैंने एक जानबूझ के जोड़ा था। लक्षद्वीप कब जा रहे हैं आप तो ये बताइए। देखिए मैं आज बैठ के प्लान कर रहा हूँ अंडमान का नेक्स्ट लक्षद्वीप टारगेट है। अविनाश सर, अभी तो छुट्टियां कहानी मिलने के लिए थोड़ा समय है मनीष, क्योंकि बच्चों का एग्जाम है, तो शायद उसके बाद सोचेंगे। मैं कुछ एक्सटेंडेड वीकेंड का लिस्ट आपको सर भेज दूंगा, कब कब छुट्टियां हैं, मार्केट कब बंद है, हम लोगों ने लिस्ट बनाते हैं साल भर के लिए कब कब छुट्टियां ले सकते हैं। राहुल को ये पता होगा, जब आप मीडिया में नौकरी कर रहे होते हैं ना बिजनेस चैनल में, तो आप ऐसा करते हैं क्या राहुल? सही बात है, एकदम सही बात है। आप कब जा रहे हैं लक्षदीप? जाना तो पड़ेगा ही, अभी इस तरह से जैसे हम बात कर रहे हैं तो मैं प्लानिंग करेंगे मार्च और अप्रैल में, काफी सारे छुट्टियां आती है जैसे आप बता रहे हो, तो तभी एक लॉन्ग एक्सटेंडेड वीकेंड पे जाएंगे। देखिए राहुल ने लिस्ट बना ली पहले, मैं बता ना, जिन्होंने मीडिया में काम किया ना बिजनेस चैनलों में, उनको पता है कि लिस्ट कैसे बनानी है। साल के शुरुआत में बीएससी पे जैसे होलीडे की लिस्ट आती है वो सबसे पहला काम यही करते हैं। अब आखिरी शेयर आपके तरफ से अविनाश सर कौन सा होगा? आखिरी शेयर मेरा भी लार्ज कैप में से है, और जो कंपनी मुझे पसंद है वो ऑटो का मेजर है, टाटा मोटर्स। देखिए टाटा मोटर्स में अगर हम देखें तो सारे जो ग्रोथ इंजिन्स है वो सारे इंजिन्स यू नो पूरी तरह से काफी स्ट्रांगली पोजिशन्ड है। अगर हम कमर्शियल व्हीकल्स की बात करें, पैसेंजर कार्स की बात करें, बहुत जो पेट्रोल डीजल की एज वेल एज इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें, तो टाटा मोटर्स डोमेस्टिक मार्केट में बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। प्लस इंटरनेशनल बिजनेस जो उनका जेएलआर का बिजनेस है, बहुत समय के बाद अभी बहुत अच्छी तरह से तेजी में चल रहा है। कंपनी के मैनेजमेंट ने भी कहा है कि अगले साल दो साल के लिए कंपनी कंफर्टेबली यहाँ से फ्री कैश फ्लो जनरेट करेगी, और आने वाले बजट में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कमर्शियल व्हीकल्स के ऊपर या पैसेंजर कार के ऊपर ड्यूटीज में थोड़ा बहुत यू नो राहत होने की पॉसिबिलिटी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास काफी सरप्लस लिक्विडिटी आ चुकी है, तो हो सकता है कि एक्साइज ड्यूटी जो पैसेंजर कार्स पे है वो यहाँ पे थोड़ी बहुत कटौती हो सकती है। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि अगर किसी का नजरिया 12 महीना है तो 1050-1060 का एक टारगेट प्राइस कंफर्टेबली पॉसिबल है, क्योंकि जो ग्रोथ लीवर्स है वो अभी काफी वेल पोजिशन है, और टाटा मोटर्स में मुझे लगता है अगर दूसरे ऑटो कंपनीज के कंपैरिजन में अगर देखे तो वैल्यूएशन रिलेटिव पॉइंट ऑफ टर्म्स में भी काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। तो टाटा मोटर्स जरूर इस लेवल पे, या थोड़ा सा अगर मार्केट करेक्ट भी होता है तो इसको खरीदने का मौका समझना चाहिए। टाटा मोटर्स आखिरी शेयर होगा जिसमें कि खरीदारी करने की सलाह अविनाश दे रहे हैं, उनको लगता है 1050 के लक्ष्य के साथ खरीदारी कीजिए, तमाम बजट
ट्रिगर के आधार पर इन तमाम शेयरों पर चर्चा हुई है। हमारे तीनों जानकारों ने कह सकते तीन तीन निक्के यानी कि नौरत्न बताएं, नौ शेयर बताएं, बेहतरीन नौ शेयर बताएं। आप इसमें से जो शेयर आपको पसंद है आप उसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल कीजिए और बजट के लिहाज से एक अच्छी कमाई आपको देखने को मिल सकती है। अविनाश सर, विवेक और राहुल, आप तीनों का शुक्रिया IT9 स्वदेश को समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर विस्तार से चर्चा करने के लिए, हमारे दर्शकों के लिए नौरत्न शेयर बताने के लिए। नौ शेयरों का जो आपने बनाया एक पोर्टफोलियो, एक बेहद शानदार पोर्टफोलियो बनाया अलग सेक्टर से तमाम कंपनियों के बारे में, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। तो आप देख रहे थे बजट पे खास कवरेज, हमने तमाम स्टॉक्स पर चर्चा की जिसमें अनंतराज इंडस्ट्रीज से लेकर टेक्स मैक्रो रेल, टाटा मोटर जैसे, अल्ट्राटेक सीमेंट जैसे तमाम स्टॉक्स पर चर्चा की है। बजट आने में बस कुछ दिन बचे हुए हैं और लगातार IT9 स्वदेश आपको एक से बढ़कर एक बजट से जुड़े हुए शो दिखाता रहेगा। लगातार देखते रहिए IT9 स्वदेश। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।